હવે સમજ્યા કાકા કે નહીં મન કરે પાટી ને યાર યાર લાઈફ મે કે કમ બસર મચી પડી ને તુને તો તીન પર લગા કર બસર હો જાના ઓર સાથી રાત્રિ ઉલટો કે ટંટે મેં સંભાલ હા अब तू मुझसे पूछेगा कि मेरा मूड क्यों खराब है। जिस दिन तू तीन चौमू बच्चों का जबरदस्ती प्योर बन जाएगा ना, उस दिन सवाल ये मैं तुझसे पूछूंगा यार, अभी अभी दिन में चौथी बार मैं पॉटी साफ करके आया और वो पॉटी साफ करके जो मैंने नहीं की है यार, क्या घंटा क्यों होते हैं बच्चे, 70,000 रुपए का आईपैड से कोई फ्रिज भी खेलता है। उस दिन टिंडर पे क्या कमा की पटोला बल्ली मुझे लाइन दे रही थी, लेकिन तेरा भाई क्या कर रहा था, तेरा भाई एक चौमू बच्चे के सर से चूहे निकाल रहा था। सेक्स लाइफ तो जैसे 1,000 रुपए के नोट की तरह गायब हो गई है और नाइट लाइफ तो बस लाइन रिपीट एंटर देते जा रहा। 14 के 22 हफ्ते 16 के हो गए हैं। और सबसे बड़ी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन तुझे बताऊं, लाइफ की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये है कि मन करने के बावजूद भी खुलकर गाली नहीं दे सकता, क्योंकि बच्चों का रोज मारा जो रहता है। देख अगली बार अगर समझो तूने इन बच्चों को क्यों बोला ना, तो एक काम कर, तू ही एक दो लेकर चले जा। नहीं लेकर जाना, नहीं नहीं बोला तू। यार सॉरी, कुछ ज्यादा ही बन गया है, लेकिन एक बात बताया क्या, हम भी बचपन में इतनी शरारती हुआ करते हैं क्या? मुझे तो याद नहीं कि जब मस्जिद किया करता था तो जमीन पर लेट लिया गया था, लेकिन एक बात बताऊं, फिर भी पापा ने कभी चपेट नहीं मारी। यार जब भी बाबा की बात करता हूँ थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। ये सब छोड़, याद रखे अगली बार इन्हें क्यों मत बोलना, ठीक है? चल मैं फोन रखता हूँ, नहीं तो मेरा दादा सिंह बिना दूध पेश हो जाएगा।